हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल KH नर्सिंग एजुकेशन। माई सेल्फ आदित्य पारिक, नर्सिंग ऑफिसर एम्स रायपुर। फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक ओवरव्यू बताया था, जिसमें हमने हार्ट के बारे में बात की और सर्कुलेशन के बारे में बात की। मैंने आपको कहा था कि जो हार्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का भी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो आज हम जो इस क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द हार्ट, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि जो हार्ट है इसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो आज है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, इसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। मैंने आपको बताया था शेप, एक कौन शेप होता है, यह हम बोले क्लोज फिस्ट शेप, एक बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट है जो कि होता है। इसमें बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसमें एक होता है आप देखिएगा हार्ट की स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, एक होता है अपेक्स और सेकंड होता है वो होता है बेस। लेकिन हार्ट के अंदर आपको देखना है, अपेक्स से आपको समझ में आता होगा कि अपेक्स मतलब होता है अपर, लेकिन हार्ट के अंदर जो अपेक्स होता है, मैं आपको इसमें आगे और भी अच्छा समझाऊंगा, एक बार आप इसमें रफली देख लीजिए, यह होता है अपेक्स और यह होता है बेस। ठीक है, जो अपेक्स है और जो बेस है ये हार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अपेक्स और बेस क्या हुए, इससे मतलब क्या समझे। तो जो हार्ट का अपेक्स वाला पार्ट होता है, इसके जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये मिलके बनाते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं पार्ट बोल दो या शेप बोल दो, एक हो गया अपेक्स, एक हो गया बेस। अपेक्स और बेस, अपेक्स किस किस से मिलके बनेगा, मैंने आपको कहा जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे मिलके बनता है अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मिलके बनाते हैं अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट। और दूसरा मैंने आपको बताया बेस, बेस कौन मिलके बनाएंगे, जो एट्रियम होते हैं यानी जो अपर पार्ट होते हैं दोनों, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ये बनाते हैं अपेक्स एंड बेस ऑफ द हार्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, कि जैसे एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, एक स्टेट होता है उसका बॉर्डर होता है, एक कंट्री का बॉर्डर होता है, वैसे ही हार्ट के भी बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें मेनली हम बात करते हैं अबाउट दी फोर बॉर्डर्स, जिसमें आता है राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जो हार्ट का राइट बॉर्डर बना रहा है, कौन सा पार्ट है जो लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है, कौन सा पार्ट है जो सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है, और कौन सा पार्ट है जो इंफीरियर बॉर्डर बनाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करें जो राइट बॉर्डर की बात करते हैं, तो राइट बॉर्डर जो है राइट एट्रियम बनाता है हार्ट का, तो दिस इज द राइट एट्रियम, ये जो है हार्ट का राइट एट्रियम होता है, ये क्या है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, इट फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। साहब इधर आ जाओ, यहां पे बन रहा है बॉर्डर, वहां पे बना और इस जगह यहां पे बन रहा है, और यहां पे कौन सी स्ट्रक्चर है हार्ट की, कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट बॉर्डर बनेगा हार्ट का वो बनेगा बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद में आता है सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, कि जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो कौन बनाता है और जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो कौन बनाता है। तो इसमें देख लो, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया,
अब जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है, ये फॉर्म तो होता है बाय द टू एट्रिया, दोनों एट्रियम बना रहे, साफ सी बात है, ये बॉर्डर तो बन रहा है, लेकिन मेनली देखा जाए तो जो एओर्टा होती है और जो पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये इसके साथ में जुड़ी हुई होती है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। वैसे बॉर्डर बना रहे दोनों एट्रिया, और लोअर बॉर्डर की हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल के द्वारा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि बना रहा है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, और ये जो राइट वेंट्रिकल होता है साहब, ये फॉर्म करता है जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है हार्ट का। तो आपको इसमें समझना है कि जो लेफ्ट बॉर्डर है ये बनाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट बॉर्डर है वो राइट एट्रियम बनाता है, और जो अपर जो बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है, वो दोनों एट्रिया बनाते हैं, और मेनली देखा जाए तो जो लेफ्ट वाला एट्रियम होता है ये फॉर्म करता है, और जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये जो राइट वेंट्रिकल होता है साहब ये बनाता है। ये हो गई हमारी बात अबाउट दी बॉर्डर्स की, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमने बात कर ली अपेक्स और बेस और बॉर्डर्स ऑफ दी हार्ट। अब हमारे जो नेक्स्ट आता है साहब वो आती है लेयर्स ऑफ दी हार्ट, हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है, क्योंकि हमने कहा था ये हार्ट का मामला है, ये दिल का मामला है, ये इतनी जल्दी सुलझ में नहीं आता है, इसके अंदर हमें जब डीप स्टडी करते हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी लेयर्स ऑफ दी हार्ट की, जो हार्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो हार्ट के अंदर पहले आप डायग्राम में समझिए, फिर मैं आपको थ्योरिटिकली समझाऊंगा। जो हार्ट है इसके अंदर मेनली थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती है, यह है लेयर्स ऑफ दी हार्ट जिसमें मेनली थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है साहब? इसमें जो तीन लेयर होती है उसमें फर्स्ट आती है पेरिकार्डियम, सेकंड जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, और थर्ड जो होती है वो होती है एपिकार्डियम। अब एक बार आप डायग्राम को बाद में देखिएगा, मैं आपको बताता हूं लेयर्स ऑफ दी हार्ट। कितनी लेयर्स बताई मैंने? थ्री लेयर होती है। कौन कौन सी होती है साहब? सबसे बाहर की बात करें, क्योंकि हम हार्ट को पढ़ेंगे आउटर टू इनर, तो सबसे बाहर से बात करते हैं, तो सबसे जो आउटर मोस्ट होती है दिस इज द पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है आउटर, कार्डियम, कल बताया था हार्ट को मेडिकल जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है कार्डिया, तो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। एक होती है मिडल लेयर जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और इसके बाद में सबसे इनर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं साहब एंडोकार्डियम। अब मैं आपको यहां पे पहले बताऊंगा, फिर वापस से हम डायग्राम पे चलेंगे, आपको और इजीली समझ में आएगा। जो पेरिकार्डियम होती है साहब, इसके अंदर भी और लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो जो पेरिकार्डियम है ये भी दो लेयर से मिलके बनती है। कौन कौन सी लेयर हो गई साहब? पेराइटल एंड विसरल। एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, पेराइटल मतलब आउटर लेयर और विसरल मतलब अंदर वाली लेयर, तो जो पेरिकार्डियम होती है ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी हार्ट। आउटर लेयर होती है, और जो मायोकार्डियम होती है ये होती है मिडल लेयर होती है, और हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम को, और सबसे जो इनर लेयर होती है साहब वो होती है हमारी एंडोकार्डियम, इनर लेयर। अब हम बात करते हैं कि जो पेराइटल और जो विसरल लेयर है इसके अंदर क्या होता है। जो पेराइटल लेयर है ये होती है जो पेरिकार्डियम है इसकी भी सबसे
आउटर मोस्ट लेयर, और मैंने आपको बताया पेराइटल खुद ही आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। तो सबसे बाहर वाली यदि हम लेयर की बात करें हार्ट की, वो होती है पेराइटल, और दूसरी जो होती है वो होती है विसरल। अब एक और बात आपको बता देता हूं कि ये जो पेराइटल लेयर है इसकी भी, ये भी दो लेयर से मिलके बनी होती है। एक होती है फाइब्रस लेयर, एक होती है सीरस लेयर। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थ्री लेयर मैंने आपको बताई हार्ट की, पेरिकार्डियम हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। पेरिकार्डियल लेयर के अंदर भी दो स्ट्रक्चर होती है, दो लेयर होती है, कौन सी, पेराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल। पेराइटल यानी पेरी का मतलब होता है आउटर, तो पेराइटल का मतलब हो गया बाहर वाली, और एक होता है विसरल अंदर वाली लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर होती है इसमें भी दो लेयर होती है, एक होती है फाइब्रस और एक होती है सीरस। तो ये हो गई आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। साहब अब आ जाओ मायोकार्डियम के अंदर। जो मायोकार्डियम लेयर है ये मिडल लेयर होती है हार्ट की, और ये होती है थिकेस्ट लेयर हार्ट की। सबसे मोटी जो लेयर होती है ये होती है मायोकार्डियम। अब थर्ड जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। मैंने आपको कहा था, हम वापस से डायग्राम के थ्रू समझेंगे, मैंने आपको बताया कि जो पेरिकार्डियम लेयर है तो ये जो आउटर जो होती है ये होती है पेरिकार्डियम, ये होती है पेरिकार्डियल लेयर। पेरिकार्डियल के मैंने दो पार्ट बताए, पेराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल। तो जो पेराइटल होती है ये री पेराइटल, और विसरल जो अंदर वाली होगी कौन सी है, ये री विसरल लेयर, ये है विसरल पेरिकार्डियम। फिर मैंने कहा कि जो ये पेराइटल पेरिकार्डियल है इसकी भी दो लेयर होती है, तो जो सीरस पेरिकार्डियम हो गया और एक हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये सबसे आउटर हो गया, और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये फाइबर जो टिश्यू होते हैं इनसे मिलके बनती है, और जो फाइबर है इसके बाद में दूसरी आती है वो आती है हमारी सीरस पेरिकार्डियम। तो लेयर तो ये पेरिकार्डियम की है जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द फाइब्रस एंड सीरस। फिर इसके बाद में दूसरी जो थी वो होती है एपिकार्डियम, तो ये हो गई एपिकार्डियम। लेकिन साहब ये जो पूरी कैविटी है इसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियम लेयर। लेकिन आपने यहां पे कुछ नोटिस किया हो तो मैं आपको बता दूं, इस एक स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है, तो पेरिकार्डियल कैविटी एक स्पेस होता है, कहां पे प्रेजेंट है डायग्राम से देख लो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो हम पढ़ते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, इट इज ए स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है, डेट इज प्रेजेंट कहां पे, बिटवीन दी पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम लेयर, विसरल पेरिकार्डियम लेयर, इसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है साहब, जिसे हम बोलते हैं पेराइटल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो हमने पढ़ी थी विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम के भी हमने दो टाइप पढ़े, फाइब्रस और सीरस। तो जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इससे सिंथेसिस होता है एक फ्लूड का, जो कि ड्रेन करती है अपने फ्लूड को कहां पे, इन द पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो सीरस लेयर है, ये वाली जो लेयर है
ये वाली जो लेयर है आप देखेंगे, एक मिनट, ये जो आपको लेयर दिख रही है इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि जो सीरस पेरिकार्डियम है इसका सिंथेसिस करती है, इसका निर्माण करती है और ड्रेन करती है कहां पे, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो सीरस पेरिकार्डियल होती है ये सिंथेसिस करती है एक फ्लूइड का और उसे ड्रेन करती है किसमें, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब सिस्टोल होता है, जब डायस्टोल होता है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तब एक फ्रिक्शन होता है, उससे प्रिवेंट करती है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इसमें फ्रिक्शन से बचाता है। अब आ जाता है कि इसका नॉर्मल कुछ अमाउंट तो होता होगा, ऐसे तो नहीं है कि चाहे जितना हो जाए, तो इसका एक नॉर्मल अमाउंट होता है, होता है 10 to 30 ml। कई एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको याद करना है कि ए फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियल इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड और इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। आप अपनी लैंग्वेज में खुद भी आंसर बना सकते हैं, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। और इसका नॉर्मल अमाउंट लिख दो, कितना होता है 10 to 30 ml। तो ये थी अबाउट द पेरिकार्डियल लेयर जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब साहब दूसरी लेयर कौन सी आती है, दूसरी लेयर हमने बात की थी जो कि सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो मायोकार्डियम होती है इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की। और जो मायोकार्डियम होती है ये मिडल लेयर होती है, और इस लेयर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि मैंने आपको लिखा थिकेस्ट लेयर, तो हार्ट के अंदर मैंने कल आपको बताया था अलग अलग चैंबर्स प्रेजेंट होते हैं, चार चैंबर मैंने आपको बताए थे, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो थिकनेस की यदि बात चल रही है तो इसकी थिकनेस की बात करें, यदि राइट एट्रियम के अंदर बात करें, राइट एट्रियम के अंदर इसकी थिकनेस होती है 2 mm, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बात करें इसके अंदर हो जाती है 3 mm, राइट वेंट्रिकल के अंदर बात करें तो ये हो जाती है 3 to 5 mm, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये हो जाती है 13 to 15 mm। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इनमें तो इसका जो थिकनेस है वो तो नॉर्मल सी है, सेम सी है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इसकी थिकनेस आपने 13 to 15 mm क्यों बता दी, क्योंकि डियर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जो होता है ये सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है प्रेशर, और इस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर की नीड होती है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इसलिए ही इसके अंदर जो मायोकार्डियम लेयर है इसकी थिकनेस होती है 13 to 15 mm, ये आपको समझना है। इसके बारे में हम अब बात करेंगे कि जो मायोकार्डियम लेयर की मैंने आपको बताई इसके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कार्डियक मसल्स है, मायोकार्डियम एक मसल ही है, ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हार्ट के अंदर हेल्प करती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था हार्ट खुद ही एक मोटर है, ये खुद ही पंप करता है, इसको और किसी ऑर्गन की नीड नहीं होती है। तो साहब जो मायोकार्डियम है
अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? कॉन्ट्रेक्शन में और रिलैक्सेशन में, किसके? हार्ट के। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब रिलैक्स करेगा तो मायोकार्डियम के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि इसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने में और इसे रिलैक्स करवाने में हेल्प करती है। कौन कौन सी मसल्स होती है, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन्स की यदि हम बात करें मैंने आपको कहा ये कॉन्ट्रैक्ट करवाती है तो हम इन्हें बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मायोकार्डियम। तो इसमें आती है ट्रोपोनिन हो गई, मायोसिन हो गया, सीकेएमबी हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गई। ये प्रोटीन्स हेल्प करती है इन द कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर स्टिमुलेशन करवाती है ताकि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ये तो हो गए साहब प्रोटीन्स। अब बात करते हैं मसल्स की। कुछ स्पेशल मसल्स भी प्रेजेंट होती है। मसल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है इसके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं, और इनकी एक बाउंड्री होती है जिन्हें हम बोलते हैं सार्कोलीमा। जो सार्कोलीमा होती है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और ये जो सेल होती है ये होती है इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री का मतलब है हमारे बस में नहीं है। कुछ आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, बोलते हैं कि साहब ये हमारे वश में नहीं है, ये अपनी मनमानी करता या करती है। तो सेम एज हार्ट के अंदर है, जो ये सेल्स होती है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ये हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है, खुद से ही कंट्रोल में रहती है। इसलिए जो कॉन्टिन्यूस जो रिदम बनी रहती है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो ये इनवॉलेंट्री नेचर के अंदर होती है। और साथ में मैंने आपको बताया कि जो मसल्स है इसके अंदर हम बात करें तो एक होती है पी सेल्स। पी सेल्स यानी पेस मेकर सेल। जो पी सेल्स होती है इन्हें हम बोलते हैं पेस मेकर सेल। इनका काम क्या होता है, इट जनरेट द इंपल्सेज, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है या इंपल्स जनरेट करती है। और जो सार्कोलीमा मैंने आपको बताया ये एकदम पास पास में सिचुएट होती है ताकि जो इंपल्सेज है वो जल्दी और इजीली एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो पेसमेकर सेल है ये जनरेट करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी या इंपल्सेस। फिर आती है मसल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गई लेकिन उसको पहुंचाना है हर एक सेल तक, जो मायोकार्डियम है उसकी हर एक सेल तक उस इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई करती है उसको पहुंचाने में मदद करती है, वो होती है मसल्स ऑफ द कंडक्शन। इसके बाद में आती है तीसरी मसल जिन्हें हम बोलते हैं मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अभी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या आ गया साहब, तो सिस्टोल और डायस्टोल को ही डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट रिलैक्स होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कुछ मसल्स के द्वारा कंट्रोल में होती है, ऐसे नहीं है कि कोई जादू शक्ति आती है वो कंट्रोल करती है, ये खुद की हार्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो जो मसल्स मैंने आपको बताई, पी सेल्स, पेसमेकर सेल्स, मसल्स फॉर कंडक्शन और मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये हेल्प करती है किसमें, मायोकार्डियम के अंदर। मायोकार्डियम लेयर की मैंने आपको अलग अलग जो हार्ट की स्ट्रक्चर है जो चैम्बर से उसके अंदर थिकनेस बताई। अब जो हमारी सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो होती है एपिकार्डियम, सॉरी जो लास्ट वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर लेयर होती है हार्ट की, जो थर्ड होती है। हमने पहले पढ़ा पेरिकार्डियम, फिर पढ़ा मायोकार्डियम, अब हम पढ़ेंगे एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है ये सबसे इनर लेयर होती है हार्ट की, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इनर मोस्ट लेयर इसकी
हार्ट की, दिल की इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है, कनेक्ट रहती है किससे, ब्लड के कॉन्टेक्ट में, यही आती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, वो होती है हमारी एंडोकार्डियम। तो साहब हमने पढ़ लिया अबाउट दी शेप ऑफ दी हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट, बॉर्डर्स ऑफ दी हार्ट और लेयर्स ऑफ दी हार्ट, जिनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। अब कल मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जब हमने इसकी लेयर पढ़ ली अब हम हार्ट को और खोलते हैं तो उसके अंदर आते हैं चैंबर्स। तो मैंने आपको बताया था देयर आर मेनली फोर चैंबर्स प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट के अंदर मेनली चार चैंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, चैंबर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कौन कौन से चैंबर्स प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया डियर कि जो हार्ट है इसके अंदर मेनली फोर चैंबर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब एट्रियम में आपको बताया दो एट्रियम होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में भी सेम है एट्रियम की तरह, राइट और लेफ्ट, ये होते हैं चैंबर्स ऑफ द हार्ट। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये है चैंबर्स ऑफ द हार्ट जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा राइट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्री सॉरी राइट वेंट्रिकल और यह है लेफ्ट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दो तो एट्रियम होते हैं जो कि अपर पार्ट में सिचुएट होते हैं और जो लोअर दो होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। अब हम इन एक एक के बारे में बात करते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। कल मैंने आपको कहा था कि जो इनफीरियर और सुपीरियर वेना केवा होती है बॉडी के अंदर, जो भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लाके जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर ड्रेन करती है। इसके बाद में यहां पे प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो वॉल्व होते हैं इन जब ये खुलते हैं कब, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब ये वॉल्व खुलते हैं तो ये ब्लड आता है इन द राइट वेंट्रिकल। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस डायग्राम आप इजीली समझ सकते हैं हम जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ब्लू से डिनोट करते हैं और जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम डिनोट करते हैं बाय द रेड कलर। तो ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है इसमें हमेशा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ही ड्रेन करता है, ये भी बात आपको समझनी है। इसके बाद में यहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के अंदर जाती है और वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है किसमें, इन द लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर आता है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है इसके बाद में यहां पे एक वॉल्व होता है, जब ये खुलेगा तो ये ब्लड आएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये चार चैंबर होते हैं, इनके अपने अपने अलग रोल होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। मैंने आपको बताया चार चैंबर जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम होता है इसके अंदर जो सुपीरियर और इनफीरियर वेना कावा होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, साथ ही साथ में
इसके अंदर जो कोरोनरी साइनस होते हैं वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, तब आपको कोरोनरी साइनस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। इसलिए जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट को खुद की ब्लड सप्लाई करती है, और हार्ट को भी ऑक्सीजन की नीड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जो है एक्सक्रीट करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो ऑक्सीजन लेस ब्लड है यानी उसमें ऑक्सीजन इतनी नहीं है, वो ड्रेन किया जाता है बाय द कोरोनरी साइनस, कहां पे? इन द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग हो गई? पहली तो हो गई सुपीरियर वेना केवा की, सुपीरियर वेना कावा। सेकंड हो गई इंफीरियर वेना कावा। और कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जो लिम्स है हमारे अपर लिम्स है वहां से ब्लड को लाती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, और इसे लाती है और ड्रेन करती है राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा जो लोअर लिम्स से, जो लोअर बॉडी पार्ट से, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। और कोरोनरी साइनस जो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है उसमें जो कोरोनरी साइनस होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करते हैं इन द राइट एट्रियम। साफ ही हो गया राइट एट्रियम। इसके बाद में आता है हमारा ब्लड कहां जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है जो राइट एट्रियम से आएगा, और इसके अंदर जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन जब होगा तो ये ड्रेन कर दिया जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो इसकी जो ओपनिंग, इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने आपको बताया था कि आर्टरी का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेके जाती है उन्हें हम आर्टरी बोलते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन हमारी बॉडी में दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक हमने फीटल सर्कुलेशन में आपको बताया था, और एक हार्ट के अंदर ये कंडीशन अप्लाई होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करेगी साहब? ये लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहां पे? इनटू दी लंग्स, लंग्स तक लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पे फिर होता है गैस एक्सचेंज, गैस का होगा एक्सचेंज। जब गैस का एक्सचेंज होगा तो इसके अंदर मिल जाएगी ऑक्सीजन। वाह क्या बात है, इसको मिल गई ऑक्सीजन। अब ये जो लंग्स है इसका काम खत्म हो गया, अब लंग्स से वापस ब्लड को लाएगी। तो आर्टरी का मतलब क्या होता है? जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। अब वेन, क्योंकि वेन का मतलब होता है जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है, तो ये भी हार्ट से पल्मोनरी वेन लाएगी, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेफ्ट एट्रियम। इसके अंदर क्या होता है? हाई ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है वो ड्रेन किया जाता है किसमें? इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर इसे ड्रेन किया जाता है। फिर किसके द्वारा किया गया? बाय दी पल्मोनरी वेन। और मैंने कल भी आपको बताया था नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन होता है वो होता है 4, 2 नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि पल्मोनरी वेन्स आर
टू इन नंबर, लेकिन पल्मोनरी वेन्स टोटल होती है फोर। और ये जो पल्मोनरी वेन्स है चारों की चारों जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे ड्रेन करेगी किसमें, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब हमारा बच गया कौन सा, यहां से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, कहां से, लेफ्ट एट्रियम से। और इसके बाद में स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी एओटा, एक रफ डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसे। यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से आपने देखा था डायग्राम के अंदर ये जो एओटा है ये इस ब्लड को जब इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तब ब्लड को पंप किया जाएगा और यहां से ब्लड एओटा के थ्रू अपर बॉडी पार्ट में और लोअर बॉडी पार्ट में चला जाता है और हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ये था अबाउट दी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन मैंने बार बार एक वर्ड बोला है कि वॉल्व जब क्लोज होगा ब्लड जाएगा, तो अब क्यों सुनाते कि सर ये वॉल्व्स क्या होते हैं, तो डियर हार्ट के अंदर ये जो चैम्बर है इनकी मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए कुछ वॉल्व्स होते हैं, वरना जो ब्लड है आता जाएगा और बहता जाएगा। लेकिन इन्हें रोकने के लिए और इनका रिगर्जिटेशन यानी वापस से फ्लो ना हो, रिवर्ट बैक फ्लो ना हो, उसके लिए कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट दी वॉल्व्स ऑफ दी हार्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर अलग अलग वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। लेकिन हो सकता है कि वो ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाए, या जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है तो वापस से वो जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, वो एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी वॉल्व्स की, तो हमारी जो हार्ट है उसके अंदर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो वॉल्व्स है ये जो वॉल्व्स है इनके बारे में हम आपको बताऊंगा। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया चार चैंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पे जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में वॉल्व आपको दिख रहा होगा, और यहां पे जो ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर भी जो है वॉल्व प्रेजेंट होता है। और जो इधर बात करें तो ये एओटा है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये वॉल प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट एट्रियम है इसके बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट है। तो ऐसे करके टोटल वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं नंबर में फोर। लेकिन ये दो टाइप, यदि हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के वॉल्व होते हैं। जो वॉल्व की हम बात करते हैं वॉल्व ऑफ द हार्ट, इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे। मैंने टाइप बोला है, नंबर ऑफ वॉल्व नहीं बोला है। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और एक होता है सेमी लूनार वॉल्व।
तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का मतलब होता है कि दीज वॉल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तभी तो इसे नाम दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या हम इसे शॉर्टकट में बोल देते हैं एवी वॉल्व। सेकंड जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेमी लूनर, एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, सेमी का मतलब होता है हाफ और लूनर का मतलब होता है, लूनर डिनोट करता है मून। तो इन जो वॉल है इनकी शेप जो होती है वो होती है एज ए हाफ मून, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। और ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, अब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है इसमें दो वॉल आ जाते हैं, एक हो गया साहब ट्राइकस्पिड वॉल, और एक हो गया बाइकस्पिड वॉल। अब यहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज दिस ट्राई एंड व्हाट इज दिस बाई। ट्राई इंडिकेट कर रहा है थ्री, यानी इन वॉल के अंदर ट्राई क्या कस्प, कस्प प्रेजेंट होते हैं, थ्री कप्स पे प्रेजेंट होते हैं जिनकी नंबर होते हैं थ्री, इसलिए हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। और एक होता है बाई कस्पिड वॉल, बाई कस्पिड वॉल क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कप्स होते हैं वो ओनली टू ही होते हैं। अब बात आती है कि ये कहां पे लोकेटेड होते हैं, कहां पे सिचुएटेड होते हैं, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इट इज सिचुएटेड इन द राइट, जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर होता है उसमें कहां पे, बिटवीन द राइट एट्रियम और बिटवीन द राइट वेंट्रिकल। और जो बाइकस्पिड है ये लेफ्ट साइड में होता है, कहां पे, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेमी लूनर की मैंने आपको बताया कि इनकी शेप होती है जे हाफ मून और ये होते हैं दो, पल्मोनिक वॉल, एक होता है एओर्टिक वॉल। क्योंकि जब राइट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो उसका ओवरफ्लो नहीं हो, इसके लिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वॉल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। और जो एओर्टा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ड्रेन करने के बाद में वापस से नहीं आए उसके लिए होता है एओर्टिक वॉल, तो ये एओर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है और ये होता है इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये थे वॉल ऑफ द हार्ट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बात की बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, उसके बाद में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की लेयर्स ऑफ द हार्ट, फिर हमने बात की चैम्बर्स ऑफ द हार्ट और बाद में हमने बात की वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।